वैसे जो चीज अभी मेरे साथ हुई है ना, ये ऐसी कई लोगों के साथ हो रही है। लोको पायलट का जो कैबिन होता है वो है नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंशु यादव, बैक विद न्यू वीडियो। तो आ जाके मैं फिर से आपके लिए नया व्लॉग लेके। आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से लेके देहरादून के लिए, क्योंकि इस रूट पर चल चुकी है नई वंदे भारत। फिलहाल मैं खड़ा हूँ आनंद विहार टर्मिनल से, क्योंकि वो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है और देहरादून के लिए रवाना होती है यही कोई शाम के 5:45 के करीब। तो चलते हैं अंदर, ट्रैवल करते हैं, दिखाता हूँ आपको कि उसमें क्या क्या हमें फैसिलिटीज मिलने वाली है और जो भी होगा सब कुछ दिखाता हूँ। बिना किसी देरी के चलते हैं। 5:15 के करीब वंदे भारत को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया जा रहा है। ये लो भाई, क्या लग रही है यार, डोर ओपन हो गए हैं। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको क्या कैसा होने वाला है। जो भी आप लोग, ये देखो भाई, कुछ ऐसा इसका इंटीरियर होने वाला है। बाकी इसमें सीट अरेंजमेंट है 3x2 का है, इस साइड 2 है, एक साइड 3 है। काफ़ी अच्छी लग रही है अंदर से देखने में, और ऊपर यहाँ पे काफ़ी मतलब स्पेस मिल जाएगा आपको लगेज वगैरह रखने के लिए, तो देख सकते हो। और आई गेस कैमरा, हाँ ये लगे ऊपर। ये देखो, ये मैं पहली वंदे भारत में इसमें देख रहा हूँ। वैसे इससे पहले मैंने दूसरी वंदे भारत में ट्रैवल किया था, जो अम्बनदौरा से नई दिल्ली के बीच चलती है, उसमें ये सेंटर वाला कैमरा मेरे को दिखा नहीं था, लेकिन इसमें है। चलो बाकी देखते हैं आगे और क्या कुछ सर्विस में मिलने वाली है। सीट कहाँ यार, इधर ही ये विंडो साइड, क्या ऊपर रखना है क्या ऊपर। बाकी जो इसकी सीट रहने वाली है काफी ज्यादा मेरे को मतलब अच्छी लग रही है एज कम्पेयर जो दूसरी वंदे भारत थी। वैसे जितनी भी दिन ब दिन जितनी भी नई वंदे भारत आ रही है ना, सब में कुछ ना कुछ नया मिल ही रहा है। बाकी इसमें देख लो यार, काफी सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप पुश टू टॉक, अगर आपको कोई इमरजेंसी है जरूरी है तो उस टाइम पे आप उसको पुश करके जो लोको पायलट है उनसे बातचीत आप कर पाओगे। बाकी ये देखो इसमें, ये लो यहाँ पे आपको लग स्पेस काफी ज्यादा मिलने वाला है। ये देख सकते हो यार कितना ज्यादा मतलब इसमें स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ सीट के बिल्कुल सामने ये रही ट्रे। यार इसमें काफी ज्यादा स्पेस है देखा जाए तो, वाकई में मानना पड़ेगा। एंड नीचे सामने ये मैगजीन होल्डर है, और साथ में ये रही फुटरेस्ट, और यहाँ पे वाटर होल्डर मिल जाएगा, बोतल होल्डर। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट चाहिए फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, तो वो यहाँ पे इन्होंने सीट के नीचे दे रखे। और यहाँ पे अब इसकी ना विंडशील्ड को चेक करते हैं कि कितना इफेक्ट करती है, जैसे अभी यहाँ पे सन की इतनी विजिबिलिटी है। ये लो भाई, काफ़ी हद तक ये इसको सन की रोक रही है, ये चीज़ तो है। ये देखो सही है, मतलब दिन ब दिन वंदे भारत में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही रहा है। ऐसे अब देखते हैं इस जर्नी में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या मतलब खाने में क्या होने वाला है, वो तो उसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा बेताब हूँ कि यहाँ पे फूड में क्या सर्व करेंगे। हालांकि आपने कई व्लॉग्स में ऐसा देखा होगा कि जो इनॉग्रल होता है इसका, उद्घाटन वाली जर्नी होती है, उस दिन ये कुछ अलग फूड देते हैं। तो जो उस दिन फूड मिलता है तो वो वाला फूड आपको नॉर्मल डेली जो वंदे भारत चलती हैं उनमें नहीं मिल पाता, जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है वो वाला फूड आपको सर्व नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या मिलने वाला है, फिलहाल चलने वाली है। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी शाम के 5:24 हो गए हैं, और ये 5:50 पे इसका टाइम है यहाँ से निकलने का। तो इसमें आपको सीट रिक्लाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसके लिए ये देखो यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ऐसे सीट पीछे चली जाएगी, ये देखो प्रेस करोगे तो आगे आ जाएगी। सही चीज़ है, वैसे सेम ऐसी चीज दूसरी वंदे भारत में भी है। ये दिखाएंगे हमारे फ्रेंड, दिखाइए, इसके लिए ये यहाँ पे साइड में बटन लगा हुआ है, इसको प्रेस करोगे तो ये ऐसे आगे पीछे जाएगी, रिक्लाइन हो जाएगी। और ये यहाँ पे सबसे पहले हमें दे दिया गया ये आज का न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखो। और दूसरा कौन सा है, नव भारत टाइम है ये। हाँ, नव भारत टाइम, हाँ ये नव भारत टाइम है। बाय द वे आज ट्रेन भी चल पड़ी, रुको बताता हूँ मैं आपको क्या टाइम हुआ है। पूरे 5:50 पे बिल्कुल राइट एकदम सही टाइम पे निकल पड़ी है अपनी वंदे भारत आनंद विहार टर्मिनल से देहरादून के लिए। तो देखते हैं सफर कैसे होने वाला है, चलो मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ।
भाई देवे, आज का हमारा सफर और अच्छा होने वाला है। ये क्या नाम है आपका? तनिष। और इनका कार्तिक। इनका कार्तिक है। आप पहली बार आ रहे हो ना बंदे? हाँ, मेरा दूसरा टाइम। अच्छा, बिल्कुल राइट टाइम डिपार्चर। हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा था ना। हाँ, ये राइट से आपने से। चलो अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या सर्व होता है। 31 और 32। मेरा 30 है अंशु। आजकल देखो सारा डिजिटलाइज हो गया। पहले क्या था कि चार्ट लेके घूमना पड़ता था, अब तो टैब मिल गया, सारा ऑनलाइन डिजिटल हो गया। और यहाँ पे आपको सामने देख सकते हो एक डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है और फिलहाल स्पीड क्या है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे 59 किलोमीटर पर आवर 61 हो गई है। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे ये वाटर बॉटल सर्व होगी हमें। चलो ये भी सही है, यहाँ पे 1 लीटर की आपको बॉटल मिलने वाली है। तो फिलहाल आप ट्रेन की स्पीड देखो कितनी है। मेरे पास तो वो नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। अरे लो, किस्मत बेकार, डिस्प्ले बंद हो गई यार। वैसे मेरे पास कोई स्पीडोमीटर तो है नहीं लेकिन वहाँ सामने डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, वो देखो 109 किलोमीटर की स्पीड है, ये देख सकते हो। और लगभग 32 किलोमीटर रह गया अपना मेरठ। तो देखते हैं, वैसे अभी तक इन्होंने पानी के अलावा कुछ भी सर्व नहीं किया। देखते हैं कब सर्व करते हैं, कहाँ से करते हैं और क्या सर्व करते हैं। मुझे तो उसी का इंतजार है हमारा। चलो यहाँ पे हमें स्नैक्स सर्व होने जा रहे हैं। तो ये अपना स्नैक्स आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ स्नैक्स में मिला क्या क्या हमें। ये तो है समोसा, साथ में एक ये दालमोठ नमकीन दी गई है, और उसके साथ में ये है एक गवावा जूस, सही चीज़ है ये भी। चलो, और साथ में ये चिक्की दी गई है जिसे गचक कहते हैं और गुलैया भी कहते हैं कई कई सिटी स्टेट्स में। और यहाँ पे एक इंस्टेंट इलायची चाय मिली है वाघ बकरी की, और साथ में केचप है, नीचे क्या है नैपकिन है, और एक ये स्टर करने के लिए है। अब इसमें जो मेरे को कमी लग रही है एक चीज़ की, वो कमी ये है कि इसमें इनको इसके साथ सैनिटाइजर भी देना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं दिया। और यहाँ पे अपनी चाय आ चुकी है। चाय का यहाँ पे हमें गर्म पानी सर्व कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हमें खुद चाय बनानी पड़ेगी। और ये देख सकते हो साइड में अपना मेरठ स्टेशन आ चुका है। टाइम हो रहा है शाम के 6:43, और यहाँ पे अपना स्नैक्स भी लग चुका है। और हाँ, जब मैंने इस समोसे को खोला था ना, मुझे लगा एक ही है लेकिन इसके अंदर ये दो निकले थे, और साथ में ये चाय बना ली है। सबसे पहले हम चाय को टेस्ट करते हैं। चाय नॉट बैड, अच्छी है, मतलब ठीक है। ये रहे लोग समोसे, इन्हें भी करते हैं टेस्ट। ये जो समोसे है ना, ये उस वंदे भारत से और शताब्दी एक्सप्रेस में जो मिले थे मुझे, उनसे तो बेस्ट है। अगर आपको नहीं बताना मैं किस वंदे भारत और किस शताब्दी एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। वैसे जो चीज़ अभी मेरे साथ हुई है ना, ये ऐसी कई लोगों के साथ हो रही है, मैं बताता हूँ क्या है। मैं ऐसे बैठा हुआ था और ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो येलो येलो, ये एक्चुअली इस सीट में प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो मुझे एक पल के लिए ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ नमकीन वगैरह कुछ गिर गया, तो मैं इसको ऐसे साफ कर रहा था। बाद में पता चला कि यार ये सीट पे ऐसे प्रिंटेड हो रहा है। आप भी देख लेना, अगर आप इस रूट में चलते हो आपको कहीं लगे धोखा पड़ सकता है, कई लोगों को पड़ा है यहाँ पे। ये आप सामने देख सकते हो, ये यहाँ पे इनका लोको पायलट का जो कैबिन होता है वो है। यार कितने सारे कंट्रोल है, मतलब कैसे मैनेज करते हो। तो ठीक 7:17 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने तीसरे, दूसरा हॉल्ट है मुजफ्फरनगर। ये देख सकते हो यहाँ पे है ऑटोमेटिक डोर, ये देखो ये रहे, और यहाँ ऊपर लगा हुआ है कैमरा, और यहाँ पे गैलरी में देखो कितना ज्यादा स्पेस है मतलब। और ये रहा सामने वॉशरूम। तो ये है हमारी वंदे भारत का वॉशरूम, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टैप मिल जाएगा पानी, हालांकि इसमें गर्म आ रहा है अभी। और यहाँ पे सॉप डिस्पेंसर है, साथ में यहाँ पे आपको हैंड ड्रायर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टॉयलेट पेपर वगैरह है, ये फायर एग्जीक्यूशन है, और ये है यहाँ पे फ्लश का ऑप्शन, जेट प्रेशर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्मोकिंग डिटेक्टर, हाँ वो देखो वो रहा। तो भाई जो भी है ना, स्मोकिंग वगैरह ना करना। बाकी जो इसका वॉशरूम का साइज है ना, वो काफ़ी बड़ा है, मतलब आप देख सकते हो कितना ह्यूज है, बड़ा हुआ है। इस वंदे भारत का जो इंटीरियर है, मतलब देखने में ऐसे लग रहा है ना कि ये फ्लाइट, यार मतलब
फ्लाइट को इसने फेल कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि इसने पूरी टक्कर दे रखी है। सही में यार काफी, मतलब देखो एक बार फील करो क्या मस्त है, मतलब इसका इंटीरियर कितना सही बना रखा है। तो लगभग 8:04 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सहारनपुर में। बाय द वे मैं फ़ोन बाहर तो नहीं निकालूंगा, ये लो डोर ऑटोमेटिक्स क्लोज होने वाले हैं, ये लो ऑटोमेटिक डोर है तो ये हो गए हैं क्लोज। इस ट्रेन में ना जो यहाँ पे फूड सर्व कर रहे हैं उनकी ड्रेस देखो, उन्हें उनकी ड्रेस देख के ऐसा लग रहा है कि वो एयर होस्टेस है। ये देखो सामने, ये हमारा आज का डिनर आ चुका है, ये देखो भाई। अब जल्दी से करते हैं इसे अनरैप। तो ये देखो जी हमें क्या क्या सर्व हुआ है। तो यहाँ पे तो है अपने चावल, साथ में ये है दाल, और इधर दिए गए हैं हमें दो, आई गेस दो है तीन है, दो पराठे हैं, साथ में यहाँ पे है हमारा पनीर, और इसके साथ यहाँ पे मिला है हमें मदर डेयरी का क्लासिक दही है, साथ में अचार है, इसके अंदर है कटलरी सामग्री जिसके अंदर हाँ सिर्फ एक स्पून है, बाद में दिखा दूंगा यार छोड़ो, जल्दी से करते हैं इसे टेस्ट ये है कैसा। तो सबसे पहले ये देखो ये है दाल, इसे करते हैं टेस्ट। ये खाना हालांकि ठंडा हो चुका है लेकिन ठीक है। और उसके बाद ये है हमारी पनीर की सब्जी, भाई पनीर के जो पीसीस हैं कितने बड़े बड़े हैं आप देख सकते हो, और भर के डाला हुआ है ये तो है। जो पनीर है ना बिल्कुल सॉफ्ट है यार, मुंह में जाते ही घुल रहा है वाकई में। लगे हाथ हम राइस टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे हैं। ये राइस में देखो किशमिश डाला हुआ है इन्होंने, ये देखो, चलो ये भी सही है। अब एक आखिरी चीज रह गई हमारा ये पराठा, इससे भी करते हैं टेस्ट कि ये है कैसा। पराठा ठंडा जरूर हो गया लेकिन ठीक है, ओके है, खाने लायक है। बाय द वे दही को हम टेस्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये वैसे ही होता है। चलो अब मैं इसको करता हूँ ख़त्म, फिर मिलता हूँ आपसे। बाय द वे मैं खाना खा ही रहा था और 8:33 के करीब हमारा रुड़की रेलवे स्टेशन आ चुका है। अब जल्दी से भाई मैं खाना को करता हूँ ख़त्म अपने, इससे पहले कि और ज़्यादा ठंडा हो। थैंक यू मैम। ये देखो ये आइसक्रीम आई है अमूल की है, अमूल लाइट, अमूल की वो आइसक्रीम, इसे भी करते हैं टेस्ट। अच्छी है। इस टिकट के लिए मैंने खर्च किए थे 1090 रुपये, जो कि दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस से लेके देहरादून तक का सफ़र था चेयर कार में, और खाना पीना सब कुछ इसी टिकट के अंदर इंक्लूड था। और ये ट्रेन हफ्ते के 6 दिन चलती है, बुधवार को छोड़ के यानी कि वेनसडे को छोड़ के। 9:07 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ये लो जी। चलो देख सकते हो सामने 9:07 हो चुके हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे डिबोर्ड क्यों किया, वो कारण ये था कि देखो मेरी जो टिकट है ना वो है यहाँ से देहरादून तक की। अब जो भी फैसिलिटीज़ थी वो इन्होंने मेरे को मतलब कि हरिद्वार से पहले ही सब कुछ सर्व कर दिया, आइसक्रीम जो भी था इनका, स्नैक्स और डिनर वगैरह, तो इसलिए वहाँ पे जाने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वहाँ से फिर मेरे को रिटर्न आना पड़ता, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए होती कि ट्रेन मिलती या नहीं मिलती। अब यहाँ से हरिद्वार से अभी 9:55 आई गेस शायद टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, इस वजह मतलब 9:55 की एक ट्रेन है जो मेरे को चंडीगढ़ छोड़ देगी रात के 2 या 3 बजे, तो वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उतर गया था। तो ये रहा मेरा चंडीगढ़ तक का टिकट, अब बस ट्रेन का वेट है, देखते हैं कितने बजे आती है। बाय द वे यार इसमें ना भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, देखते हैं भाई सीट मिल पाती है नहीं मिल पाती। तो 9:55 के करीब ये ट्रेन आ गई थी और बड़ी मुश्किल से भाई मेरे को ऊपर वाली सीट मिली है, वैसे मेरे को लगा नहीं था कि मिल जाएगी पर मिल गई है। चंडीगढ़ ही बात करता हूँ, 2:36 पे रात के पहुँच गया हूँ मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में। बस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे इस टाइप के ब्लॉग्स पसंद आते हैं। तो मिलता हूँ सीधा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।